अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत आफिया साथ होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज हम लोग 9th क्लास केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो कंपाउंड और मिक्सचर है। कंपाउंड एंड मिक्सचर जो है, इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को पहले समझेंगे जो कि बहुत ही जरूरी है। और वो डेफिनेशन जो है उनमें सिंबल सबसे पहले डेफिनेशन है जिन्हें हम समझेंगे, ठीक है? क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर हम एलिमेंट्स को सिंबल्स की मदद से ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और एलिमेंट्स जो हैं, अगर हमें सिंबल्स के बारे में नॉलेज नहीं होगा तो फिर हमें केमिस्ट्री की ग्रिप नहीं आएगी, क्योंकि ये केमिस्ट्री की बेस है। तो इसलिए इन बेसिक डेफिनेशन को पहले हम समझेंगे, फिर हम कंपाउंड और मिक्सचर को डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले हम सिंबल की डेफिनेशन को समझते हैं कि सिंबल जो है इसकी डेफिनेशन है क्या। तो सिंबल की डेफिनेशन ये आपको आपकी बुक के पेज नंबर 6 के ऊपर फ्रंट पे ही मिल जाएगी। ये टॉप के ऊपर ये डेफिनेशन इसकी गिवन है। तो इस डेफिनेशन को आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं, तो वहां से आप इस डेफिनेशन को मार्क कर लीजिएगा। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है सिंबल का, व्हाट इज सिंबल। तो पहले हम सिंबल को समझते हैं कि सिंबल है क्या। हम कहते हैं कि सिंबल इट इज एन एब्रीवेशन, ये एक एब्रीवेशन है जो कि एक एलिमेंट के नेम को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है? यानी जो भी एलिमेंट है हम उसे किसी ना किसी एब्रीवेशन की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं और वही एब्रीवेशन उसका सिंबल कहलाएगी। और ये एब्रीवेशन हम लेंगे कहां से? ये एब्रीवेशन ये हम उसी एलिमेंट के नेम से ले लेते हैं, ठीक है? जो भी एलिमेंट होगा उसके नेम से हम ये एब्रीवेशन को सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल्स की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये एब्रीवेशन जो है वो किस तरह से सिलेक्ट किया जाता है। तो हमारे पास सबसे पहले हाइड्रोजन की मैं एग्जांपल दे रहा हूं। हाइड्रोजन जो है एक सिंबल इज H, और ये H ये जो एब्रीवेशन है ये इसके नेम से लिया गया है, क्योंकि हाइड्रोजन स्टार्ट फ्रॉम H, ये H से स्टार्ट हो रहा है और यही H जो है वो इसका एब्रीवेशन है जो हम यूज कर रहे हैं हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि H इट इज एन सिंबल, इट इज अ सिंबल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है? तो जो H है ये अब हाइड्रोजन की नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं इसको कह सकता हूं कि हाइड्रोजन जो है इसका सिंबल H होगा। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन जो है ये भी एक एलिमेंट है और इसका जो सिंबल है वो O है, और ये O, ये एब्रीवेशन ये हमने इसी के नेम से लिया है, क्योंकि ऑक्सीजन स्टार्ट्स फ्रॉम O, ये O से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए O जो है वो ऑक्सीजन के नेम को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह हमारे पास और भी ढेरों एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कार्बन जो है इट रिप्रेजेंट्स सी, इसको सी से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि कार्बन का नेम सी से स्टार्ट होता है। और इस तरह हमारे पास कई और भी नेम्स हैं, जैसे कि आप क्लोरीन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्लोरीन जो है ये भी सी से स्टार्ट हो रहा है और सी जो है वो ऑलरेडी एक कार्बन को दे दिया गया है नाइन जो एब्रीवेशन है। तो क्या यही अल्फाबेट क्या हम क्लोरीन के लिए भी यूज कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। जब एक एब्रीवेशन किसी को दे दी गई है, असाइन कर दी गई है, तो किसी दूसरे एलिमेंट के लिए हम उसी के नेम से कोई भी दो अल्फाबेट सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि सी और एल, इट यूज टू रिप्रेजेंट द नेम ऑफ क्लोरीन, इसे हम क्लोरीन के नेम को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ओके? तो इस तरह हम यानी कि डिफरेंट अल्फाबेट्स भी एक एलिमेंट के नेम को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे सिलिकॉन जो है इट रिप्रेजेंट्स SI, एल्यूमिनियम जो है इट रिप्रेजेंट्स AL, और बाद दफा हमने जो सिंबल है वो किसी दूसरी लैंग्वेज से भी लिया हुआ है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको सोडियम का सिंबल नजर आ रहा होगा Na। अब आप देखेंगे कि जो सोडियम है ये तो S से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसके नेम में कहीं भी Na नहीं है। एक्चुअली इसे हमने लैटिन लैंग्वेज से सिलेक्ट किया है, इसको लैटिन वर्ड में नेट्रियम कहा जाता है, नेट्रियम Na, यहां से इसका सिंबल सिलेक्ट किया गया है। इसी तरह की एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं। हमारे पास इसकी फर्दर एग्जाम्पल है पोटेशियम। अब जो पोटेशियम है इट्स सिंबल इज K, जबकि नाम पोटेशियम P से स्टार्ट हो रहा है। तो ये K हमने कहां से लिया? हमने सेम K को लैटिन लैंग्वेज से सिलेक्ट किया है, चूंकि लैटिन लैंग्वेज में इसे हम कैलियम कहते हैं।
तो केलियम जो है ये के से स्टार्ट होगा, तो वहीं से हमने ये एब्रिवेशन यूज किया है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, तो के इज द सिंबल फॉर पोटेशियम। तो इस तरह हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें हम सिंबल्स की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये थी सिंबल की डेफिनेशन। अब हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो और भी इंपॉर्टेंट है, और वो है विलेंसी की डेफिनेशन। विलेंसी की डेफिनेशन भी आपको सेम पेज के ऊपर उसी के नीचे सिंबल की डेफिनेशन के नीचे मिल जाएगी एक सेपरेट पैराग्राफ के अंदर। अब विलेंसी के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूं कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसके साथ आपको एक बेल आइकन नजर आएगा, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके साथ हमने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना दी हुई है, इसमें तमाम सब्जेक्ट्स जो हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कंप्यूटर मैथ्स ये आपको एक ऑर्डर फॉर्म में मिल जाएंगे, आप यहाँ से जो भी सब्जेक्ट चाहें लेक्चर चाहें वो देख सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं विलेंसी की डेफिनेशन की तरफ, कि विलेंसी की डेफिनेशन है क्या, इसको समझते हैं। तो क्या विलेंसी जो है इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि इट इज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट, कि एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होने की जो कैपेसिटी है, ठीक है, इसे हम एक विलेंसी का नाम देंगे। डेफिनेटली जितने भी कंपाउंड्स हैं मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं दे आर मेड अप ऑफ बाय डिफरेंट एलिमेंट्स, ये डिफरेंट एलिमेंट से बने हुए हैं। अब डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं डेफिनेटली इनकी आपस में कंबाइन होने की कैपेसिटी होती है, उसी कैपेसिटी को हम विलेंसी का नाम देंगे। तो विलेंसी जो है इट इज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज विलेंसी, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स। इसे हम कोवेलेंट कंपाउंड्स में किसी और वे में मेजर करेंगे, जबकि इसे हम आयोनिक कंपाउंड्स में किसी और वे में रिप्रेजेंट मेजर करते हैं। बेसिकली हमारे पास जो एक बेसिक टूल है इसको मेजर करने का वो क्या है कि जो एलिमेंट होते हैं उनके वैलेंस शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसकी बेस के ऊपर भी हम इन्हें मेजर कर सकते हैं। तो आइए पहले हम कोवेलेंट कंपाउंड को समझते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड्स में वैलेंसी जो है इसे किस तरह से मेजर किया जाता है। तो वैलेंसी जो है कोवेलेंट कंपाउंड्स में वो हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स की मदद से मेजर करते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर जो नॉन मेटल्स हैं उन्होंने कितने हाइड्रोजन एटम्स अपने साथ अटैच कर लिए हैं। जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स उनके साथ अटैच होंगे वही उनकी वैलेंसी कहलाएगी। तो आइए एग्जांपल देखते हैं इसकी। एग्जांपल के तौर पर हमारे पास है क्लोरीन। अब आप देख सकते हैं जो क्लोरीन है, ठीक है, इसके साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन अटैच है, तो डेफिनेटली क्लोरीन की वैलेंसी मैं कह सकता हूं कि जस्ट वन। ओके, सो देयर इज ओनली वन वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, और क्लोरीन के साथ क्योंकि कितने हाइड्रोजन अटैच है, जस्ट वन। इसी तरह हमारे पास ऑक्सीजन ले लें, ऑक्सीजन के साथ टू हाइड्रोजन एटम्स अटैच होते हैं, तो अगर ऑक्सीजन के साथ टू हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं तो मैं कह सकता हूं कि ऑक्सीजन की वैलेंसी टू होगी। सिमिलरली अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन के साथ थ्री हाइड्रोजन अटैच हैं, तो ये हाइड्रोजन जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो अटैच हैं यही नाइट्रोजन की वैलेंसी को रिप्रेजेंट करेंगे। इट्स मींस कि नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है वो थ्री है यहां पर। और अगर मैं कार्बन की बात करता हूं तो कार्बन जो है इसके साथ फोर हाइड्रोजन एटम्स अटैच होते हैं, तो डेफिनेटली कार्बन की जो वैलेंसी है वो क्या होगी, फोर होगी। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर हमने ये बात देख ली कि कितने नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एटम्स एलिमेंट के साथ अटैच हैं, सेम उसकी वो वैलेंसी होगी। लेकिन ये रूल हम आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर नहीं अप्लाई कर सकते। आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर हमें वैलेंस शेल जो होगा वैलेंस शेल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बेस पर हम वैलेंसी को मेजर करेंगे। आयोनिक कंपाउंड्स में हमारे पास मेटल्स भी हैं और नॉन मेटल्स भी हैं। जो मेटल्स हैं दे हैव एबिलिटी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि इनके वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं और इन्हें ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं अपने ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए। ऑक्टेट रूल में यहां बताता चलूं कि ऑक्टेट रूल जो होगा इसका मतलब होता है कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके पास लेस देन 3 है तो ये लूज कर देते हैं, और इसी तरह अगर इनके पास वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5 है 6 है 7 है तो ये उसे गेन करेंगे, तो जितने ये गेन करेंगे वो उसकी वैलेंसी होगी, और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये लूज करेंगे वो इनकी वैलेंसी होगी। ये हम मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस करते हैं एग्जांपल्स की मदद से। अब हमारे पास जो सबसे पहले एग्जांपल है वो सोडियम की है।
अब देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर जो सोडियम है इसके वैलेंस शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर इसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है और इसको 7 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो डेफिनेटली अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वही इसकी वैलेंसी होगी। तो सोडियम की वैलेंसी 1 है। और हमारे पास मैग्नीशियम ले लें, मैग्नीशियम जो है इसके वैलेंस शेल में जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इसको भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो जस्ट 2 है, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, तो सेम जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा वो इसकी वैलेंसी काउंट होगी। इसी तरह हमारे पास एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने को ज्यादा प्रेफर करेगा, तो सेम 3 इज वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है जी। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होगी, 3 होगी। इसी तरह अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो हमारे पास जो क्लोरीन एटम है इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, तो इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो एक इसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। कोवेलेंट कंपाउंड्स में भी अभी हमने पढ़ा कि ये एक ही हाइड्रोजन एटम अपने साथ अटैच करता है, तो 1 इज द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन। इसी तरह अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, इसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट रूल, तो मैं ये कह सकता हूं कि ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होगी वो 2 होगी, ठीक है। और हमने कोवेलेंट कंपाउंड में भी ये बात डिस्कस की कि ऑक्सीजन कैन अटैच ओनली 2 हाइड्रोजन एटम, तो वहां पर भी उसकी वैलेंसी 2 थी। और अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन जो है इसकी वैलेंसी 3 होगी, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं अपने ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए, और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, दैट्स व्हाई इसकी वैलेंसी क्या होगी, 3 होगी। और कोवेलेंट कंपाउंड्स में भी इसने 3 हाइड्रोजन एटम्स को अपने साथ अटैच किया था और वहां पर भी इसकी वैलेंसी 3 थी। तो वैलेंसी हमें यहां पर क्लियर हो गया कि वैलेंसी जो है इट इज जस्ट अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कि एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ मिलने की सलाहियत का नाम है, कि एक एटम जो है या वो कितने दूसरे एलिमेंट के एटम्स को अटैच कर पाएगा वो उसकी वैलेंसी कहलाती है, ठीक है बेटा। अब इन वैलेंसीज के एक टेबल को मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको जितना अच्छे से हो सकता है वो आप मेमोराइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। हमारे पास आगे चल के वैलेंसीज जो हैं वो यूज होती हैं डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर, स्पेशली इन केमिकल रिएक्शंस, तो अगर हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा, हमें पता ही नहीं होगा कि वैलेंसीज कितनी कितनी है, तो हम लोग रिएक्शंस को नहीं कर पाएंगे, हम लोग फॉर्मूलाज नहीं बना सकते, तो इसलिए आपने इसको अच्छी तरह से तैयार करना होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये जो टॉपिक है वो पसंद आया होगा, इसकी बेसिक डेफिनेशन जो है वो आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मुझे इजाजत दें, अल्लाह।